हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्यूटोपिया में। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी बहुत ही असरदार है। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको पार्लर जाने का टाइम नहीं है, तो आप घर पर इस पैक को लगाकर अपने चेहरे को ग्लोइंग और फेयर बना सकते हैं। एक ही बार लगाने के बाद बहुत ही बढ़िया इंस्टेंट ग्लो आपके चेहरे पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है टमाटो और इससे हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, जो कि एक पल्प के रूप में तैयार हो गया है। आप किसी भी तरह से इसे इस तरह टमाटो को मैश कर लीजिएगा। और इसमें 4 से 5 ड्रॉप हमने यूज किया है ग्लिसरीन। जैसा कि विंटर सीजन है, ग्लिसरीन बहुत ही ज़रूरी होता है स्किन के लिए। स्किन को सॉफ्ट बनाता है, डीपली मॉइस्चराइज करता है। और इसमें 1 बड़ा चम्मच हमने कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया है। कॉफ़ी पाउडर चेहरे को इंस्टेंट ग्लो देता है, निखार देता है, और ये हमारे चेहरे को बहुत ही बढ़िया फेसियल जैसा निखार बहुत ही कम बजट में दे देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह मिक्स करके ये पैक आपको बना लेना है और अपने क्लीन चेहरे पर आपको मसाज करना है इससे। और इसे थोड़ा देर बनाकर 1 से 1.5 मिनट आप ऐसे ही रख दीजिएगा, ताकि जो कॉफ़ी पाउडर का पाउडर है अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसमें कोई भी दरदरापन ना रहे, ताकि मसाज करने पर आपके चेहरे पर कुछ भी ऐसा लगे ना। और इसे लगाकर आपको मसाज करना है। तो अब हम इसी में आपको 2 पैक बताने वाले हैं। अभी पहले वाले पैक में केवल टमाटो, ग्लिसरीन और कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो अब दूसरा भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मसाज करने के बाद आपको अब इसे क्लीन कर लेना है। आप चाहे तो ना भी क्लीन करें तो भी चलेगा। आप इसी के ऊपर दूसरा भी पैक लगा सकते हो, और आप चाहे तो इसे क्लीन भी कर सकते हो नॉर्मल वाटर से। तो पहले आपको अच्छे से मसाज कर लेना है, 1 से 1.5-2 मिनट आपके पास टाइम हो तो 2-4 मिनट 5 मिनट भी कर सकते हैं। और आप जितना देर मसाज करेंगे आपके चेहरे के लिए उतना ही अच्छा होगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमने चेहरे को क्लीन वाटर से वॉश कर लिया है। अब मैं इसी पैक में जो हमने बनाया था उसी में मैं ऐड कर रही हूँ चंदन पाउडर। तो चंदन पाउडर हमारे चेहरे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को रिमूव करता है, साथ ही हमारे चेहरे को फेयर करता है, इंस्टेंट ग्लो लाता है। ये एंटी बैक्टीरियल का भी काम करता है, आपके चेहरे पर पिंपल्स एक्ने आने से रोकता है। ये बहुत ही अच्छा होता है चंदन पाउडर। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है चंदन पाउडर, तो आप इसमें बेसन ऐड कर लीजिएगा। बेसन तो हर घरों में मिल जाएगा, तो आप बेसन ऐड कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपको बेसन नहीं सूट करता है, तो आप यहाँ पर गेहूँ का आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। गेहूँ का आटा भी आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया ग्लो देता है। अब इसे हम अपने चेहरे पर अप्लाई कर ले रहे हैं और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर से हम इसे वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी आप लोग को कैसी लग रही है। अगर आपने इस तरह से टमाटो का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। इस तरह ये रेमेडी बनाकर आपको फेसियल जैसा निखार एक ही बार में मिलेगा, बहुत ही बढ़िया ग्लो और निखार देखने को मिलेगा। अगर आप फेसियल नहीं करा पा रहे हो, पार्लर में जाकर कहीं जाने वाले हो, तो आप इस तरह घर पर होम रेमेडी को यूज़ करके अपनी स्किन को क्लीन और क्लियर बना सकते हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद हमारे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड, 10 मिनट हो गया था और हमने चेहरे को क्लीन कर लिया है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा स्किन सॉफ्ट और क्लीन दिख रहा था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।